नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। हम इस समय बढ़रिया के हरदिया गांव में खड़े हैं और ये जो बगल में आप मंदिर देख रहे हैं यह बिहार का नामचीन मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर है। अंग्रेजों के समय में लगभग 1600 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तब से मंदिर यह उसी अवस्था में खड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस मंदिर में जो भी बेशकीमती मूर्तियां लगाई गई हैं उन मूर्तियों को चोरी कर ली जा रही है। प्रशासन का इस पर विशेष ध्यान नहीं है, जबकि इस मंदिर में करोड़ों की मूर्ति उपलब्ध है। और इससे पहले इस मंदिर से बताया जा रहा है कि एक अष्ट धातु की राम जी की मंदिर मूर्ति को चोरी कर ली गई थी। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, अब इन लोगों से जानते हैं कि क्या क्या चोरी हुआ और आज बीती रात को जो चोरी हुआ वह क्या था और उसकी कीमत क्या थी। देखिए सर, गत रात में जो चोरी हुआ इस मंदिर में तो करीब 25,000 रुपये की एक बैटरी हुए है, उसमें इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें और कुछ वायर्स हैं, ये चोरी हुआ है। इसके पहले भी कई चोरियां इस मंदिर में हो चुकी हैं। करीब आज से 12-14 साल पहले श्री राम जानकी का मूर्ति जो ब्लैक डायमंड की थी वो चोरी हो गई। उसके बाद से जो दुर्गा जी का मंदिर है उसमें का जो सिल्वर का जो आँख लगाया हुआ था किसी भक्त के द्वारा वो निकाल ली गई। मुकुट उनका चोरी हो गया, अभी कल ये चोरी हुआ है। ऐसी फिर सोलर प्लेट लगा था स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा, वो भी खोल लिया जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है इस धर्म में, इस हिंदू धर्म में, कि ये मंदिर जो है लोगों के अनुदान से चलाया जा रहा है और कुछ स्थानीय चोर उचक्के जो हैं इधर उधर के वो इस मंदिर की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है यहाँ के लोगों। बीती रात को जो चोरी हुआ उसका कीमत क्या होगा? उसकी करीब 50,000 के करीब में और है। अभी आप जो बता रहे हैं और भी लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ से अष्ट धातु की एक मूर्ति चोरी हुई जिसको आप डायमंड की ब्लैक डायमंड बता रहे हैं, उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत सर करोड़ों में थी। तो इतनी महंगी मूर्ति की चोरी कर ली गई और इतने प्राचीन मंदिर से, कोई डिस्ट्रिक्ट से अधिकारी पदाधिकारी आए या नहीं? इसके पहले जो 12-14 साल पहले जो ब्लैक डायमंड की मूर्ति चोरी हुई थी श्री राम जानकी मंदिर से, उस पर थाना में FIR किया गया था, बढ़रिया में भी, सिवान में भी। तो कुछ जो भी जांचें हुई हैं अब तक कुछ हुआ तो नहीं उसमें, जो मूर्ति नहीं बरामद हो पाई। नहीं बरामद हो गई बिल्कुल। बीती रात को जो चोरी हुआ इसका आवेदन दिया गया है? आज हम लोग देंगे, मीटिंग बैठेगा 2-4 बजे, गांव के कुछ लोग जुटेंगे और हम लोग जाके आवेदन लिख के तैयार है। हम लोग जा भी रहे हैं थाने में आवेदन देने बढ़रिया। आपका परिचय? संजय पांडे नाम है मेरा, मैं यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण हूँ। ये यहाँ पे है वार्ड पार्षद है यहाँ के, बार बार चोरी हो रहा है इस मंदिर से और यहाँ पे बहुत महंगी महंगी मूर्तियाँ रखी गई हैं, क्या आप लोग इस संबंध में थाना से मुलाकात किए, थाना को आवेदन दिए या नहीं? नहीं, अभी हम लोग दिए नहीं आवेदन, हम लोग जा रहे हैं आवेदन देने के लिए और हम लोग में बहुत आक्रोश की अथी है, स्थिति है। हम लोग इस पर पूरे गाँव को बैठक कर रहे हैं और इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मांझी, वार्ड पार्षद। और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, क्या आप कहेंगे यहाँ पे बार बार चोरी हो रही है? तो प्रशासन को समझना पड़ेगा कि क्यों हो रही है, आए दिन चोरी आती है, 3-4 बार हो गया, प्रशासन आज तक कुछ नहीं की है। हम लोग आवेदन देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतोष मांझी। तो आपने सुना कि इस मंदिर का निर्माण अंग्रेजों के समय में लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है ये आज के समय में इस तरह के मंदिर का निर्माण संभव नहीं है और इसमें इस तरह की एक नहीं कई मंदिर हैं जो अलग अलग इसमें मूर्ति रखी गई हैं। इस मंदिर में अभी जो यहाँ पे मंदिर है जो लॉक किया गया है, इस मंदिर में किसी भक्त के द्वारा चांदी का आँख लगाया गया था, उसकी भी कुछ दिन पहले चोरी कर ली गई थी। दुर्गा जी के मुकुट इसमें था, उसकी भी चोरी कर ली गई थी और राम जी का अष्ट धातु से बना हुआ मूर्ति था उसको भी चोरी कर ली गई है। लेकिन ये बार बार मंदिर से और इस प्राचीन मंदिर से चोरी होना बहुत दुर्भाग्य है। शासन प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनता है कि इस मंदिर को सुरक्षित कैसे रखा जाए। न्यूज़ 44 बिहार के लिए सिवान से मैं मोहम्मद फारूक।